अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज एक मैं न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। यह है बंगाली भाजा पीठे की रेसिपी, जो मैं चावल के आटे से बनाऊँगी और बहुत ही इजी और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना और पूरा फुल वॉच करना। तो ये देख सकते हैं, मैंने 200 ग्राम यहाँ पर जो है गुड़ ले लिया है। गुड़ के बदले आप लोग चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गुड़ जो है थोड़ा सा मेल्ट होने का इंतज़ार आप कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जो है कोकोनट डाल दिया हूँ, ग्रेटेड कोकोनट। एक कोकोनट में जितना निकला है मैं उतना ही ले लिया हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं बनाई हूँ इसीलिए। अब जो है इसको लगातार चलाते हुए मैं मेल्ट कर रही हूँ गुड़ को। अगर चीनी है तो चीनी तो जल्दी ही मेल्टेड हो जाते हैं, तो इसीलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। तो मैंने इलायची पाउडर मैंने थोड़ा सा इसके अंदर डाल दिया है और इसको लगातार चलाते हुए ये देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई हो चुका है और जो है अंदर का तैयार है। और अभी जो है मैं एक कढ़ाई में पानी डाल रही हूँ। मैं 2 कप यहाँ पर 1.5 कप के करीब पानी डाल रही हूँ और 1 पिंच में नमक डाल रही हूँ। तो जितना हमारा पानी है आटा हमको उतना ही यूज़ करना है। तो पानी में जैसे ही बॉयल आ जाए तो वो तुरंत ही जो है चावल का आटा इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और जो है इसको हिलाते जाना है। तो देख सकते हैं मैंने 1.5 कप डाला था, तो वही हिसाब से मैं 1.5 कप चावल का आटा ले ली हूँ यहाँ पर और थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ और मिक्स करते जा रही हूँ। एक साथ नहीं डाला क्योंकि गुठलिया हो जाता है इसीलिए। तो ये देख सकते हैं मैंने थोड़ा थोड़ा डाल के इसको जो है पूरा पानी खींच लिया है। तो इसी स्टेज पे जो है आप लोग इसको जो है निकाल भी सकते हैं या फिर ढक के इसी तरह 10 से 15 मिनट के लिए आप लोग छोड़ भी सकते हैं। तो मैं अलग से प्लेट में यहाँ पर निकाल रही हूँ, ये बहुत गर्म है इसलिए हाथों में थोड़ा थोड़ा करके पानी लेके इसको गूँध रही हूँ। तो देख सकते हैं अच्छी तरह से मैंने इसको गूँध लिया है और बिल्कुल भी लम्स नहीं इसके अंदर। बहुत ही अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ले लेके इसको बहुत ही अच्छी तरह से मैंने गूंद के सॉफ्ट सा तैयार कर लिया है। अब जो है इसके अंदर से छोटी छोटी जो है लोई तैयार कर लेना है, जिस तरह से हम लोग चपाती या रोटी बनाते हैं उसी तरह का लोई हमको तैयार कर लेना है। तो मैं सब जो है लोई तैयार कर लेती हूँ और फिर चलते हैं बेलने की प्रोसेस में। तो देख सकते हैं एक मैं बेल के आप लोगों को दिखा देती हूँ। 2 प्रोसेस से यहाँ पर मैंने बनाया है जो है, इसको पहले गोल बेल लेती हूँ फिर मैं दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं इसको बेल लिया है और जो है एक कटोरी की मदद से मैं गोल आकार आने के लिए जो है जस्ट इसको कट कर रही हूँ। आप लोग जो है बिना कट करके भी इसको बना सकते हैं। तो मैं पहले एक दिखाती हूँ आप लोग जो है एक बड़ा साइज़ का और एक छोटा साइज़ का भी बना के जो है इसको बना सकते हैं, उससे भी ये अच्छा बनता है। तो पहले जो है बड़ा साइज़ को आपको ले लेना है, उसके अंदर जो है जो कोकोनट का स्टफिंग बना के रखा था उसको जो है पूरा अंदर डाल देना है और जो छोटा वाला पोर्शन है उसको जो है इसके ऊपर ढक देना है बहुत ही अच्छी तरह से। छोटा वाला बड़े के ऊपर जो है अच्छी तरह से ढक देना है और इसको चिपका देना है। चिपकाने के बाद हाथों की मदद से इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके फोल्ड करके डिज़ाइन जैसा आप लोग इसको बना सकते हैं या फिर जो है आप लोग 2 छोटे छोटे पूरी बना सकते हैं और उसको जो है कांटे चम्मच की मदद से साइड से जो है पूरा डिज़ाइन इसको दे सकते हैं। तो मैंने इस तरह और उस तरह दोनों ही मैंने बनाया था। तो ये देख सकते हैं मैंने इस तरह का बनाया है और जो बीच वाला है वो जो है कांटा चम्मच का मैंने बनाया था। तो अभी जो है इसको फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई को गर्म चढ़ा दिया है और उस पर मैं डाल रही हूँ तेल। तेल को जो है बहुत ही अच्छी तरह से हमको गर्म कर लेना है और गर्म करने के बाद जो है इसको डाल देना है। पहले जो है इसको मीडियम फ्लेम पे रखना है। तेल पे जो है पीठे को डालने के बाद जो है मीडियम फ्लेम पे गैस को रखना है। तुरंत जो है हाई फ्लेम करेंगे तो अंदर से नहीं पकेगा अच्छा से आटा और जो है ये क्रंची नहीं बनेगा। तो पहले थोड़ा सा इसको मीडियम फ्लेम पे रखने के बाद ये देख सकते हैं इसी तरह जो है ये ऊपर तैर के आ जाता है। तो आप लोगों को जो है इसको पलट देना है और पलटने के बाद जो है अभी जो है आप लोगों को गैस को हाई फ्लेम पे कर देना है और हाई फ्लेम पे करके इसको फ्राई करना है। जब तक कि इसका किनारा जो है थोड़ा सा लाइट गोल्डन कलर ना आ जाए तब तक हमको इसको फ्राई करना है। ये जो है बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाता है। तो देख सकते हैं मैं इसको थोड़ा सा पलट पलट के मैं फ्राई कर रही हूँ और इसका जो है कलर ज़्यादा चेंज नहीं करना है।
तो आप लोग इसी तरह से इसको तैयार करें, बहुत ही अच्छा लगता है, मज़े का लगता है खाने में। इसको आप लोग स्नैक्स के हिसाब से भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार है। और इसको जो है आप लोग खाने के टाइम फिर से इसको फ्राई करके और भी ज़्यादा क्रंची बन जाता है। तो इसी तरह जो है मैं सब फ्राई कर लेती हूँ। तो ये देख सकते हैं जो भाजा पीठा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बनकर तैयार है। तो आप लोगों को वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे इसी तरह के अलग अलग और न्यू रेसिपी के साथ। तो आप लोग कौन सा रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर कॉमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगता है तो लाजमी इसको लाइक ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़ ऑल फ्रेंड।